प्रियंका गांधी जी दमन दीव से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। कांग्रेस बहुत ही लीड से यहां से हम लोग जीतेंगे, इसका फायदा हमें साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में भी होगा। प्रियंका गांधी जी दमन दीव से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवारी करेंगे और मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। हाईकमांड ने कुछ जिम्मेवारी हमें दी है, डेटा कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और जहां तक इस प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रियंका जी के आने से पूरा साउथ गुजरात जो हमेशा कांग्रेस के पास रहा है और सौराष्ट्र जो दीव से सटा हुआ है और वो भी हमें उधर भी फायदा होगा, तो काफी सीट यहां पे 5-6 सीट्स में साउथ गुजरात और वहां भी 3-4-5 सीट में हमें फायदा जरूर होगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और पार्टी को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया है और अभी स्क्रीनिंग कमेटी की शुरुआत प्रक्रिया चालू है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में डिसाइड करेंगे और आगे आपको हम कुछ कॉपी देंगे। डेटा कलेक्ट वही करना है कि भाई कितने वोटों से कब हारे थे, क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, बूथ वाइज हमें कितने वोट सिक्योर किए थे और हमारे इंटरनल बूथ के, क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी ऊपर है ही, परंतु इंटरनल जो बूथ है और हमारे बूथ के साथ साथ जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स के डेटा हम कलेक्ट करके हम दे रहे हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी है पर एट प्रेजेंट हाल में हम न्यू फ्रेश डाटा कलेक्ट करके देंगे। बिल्कुल कांग्रेस बहुत ही लीड से यहां से हम लोग जीतेंगे और इसका फायदा हमें साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में भी होगा।